हेलो फ्रेंड्स, झारखंड करंट अफेयर्स सितंबर 2021 के कुछ चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे। इसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई है और इसको हम लोग पहले क्वेश्चन के हिसाब से भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सोहराय और कोहबर चित्रकला पर लिफाफा किसने जारी किया? किस राज्य ने झारखंड की उत्पाद नीति को अपनाया है? किस जिले से मुख्यमंत्री सोना सोबरन धोती साड़ी योजना शुरू किया गया? तो इसको हम लोग पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा में हम इन चीज़ों को पूरा फुल डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो जो चैनल में नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लें। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया जानकारी है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन सारी चीज़ों को पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं। झारखंड करंट अफेयर्स सितंबर 2021 यानी सेप्टेम्बर 2021। पहला है, सोहराय और कोहबर चित्रकला पर लिफाफा निम्न में से किसने जारी किया? ऑप्शन है अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन मुंडा, रमेश बैस और हेमंत सोरेन। तो इसका जो उत्तर है वह है हमारा रमेश बैस, और ये वर्तमान झारखंड के राज्यपाल भी हैं। तो इनके द्वारा ही सोहराय और कोहबर चित्रकला पर लिफाफा जारी किया गया, तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अर्जुन मुंडा है हमारे केंद्रीय अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्री हैं, अन्नपूर्णा देवी भी सांसद हैं, और रमेश बैस तो वर्तमान 10वें नंबर के राज्यपाल हैं, और साथ साथ हेमंत सोरेन जो है वह वर्तमान मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। तो इनके बारे में जो यहाँ पर है, इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं। और साथ ही साथ अगर आप सोहरा चित्रकला, कोहबर चित्रकला या झारखंड की चित्रकलाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा करके भी देख सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि यह जो है लिफाफा, उसके बारे में जानकारी क्या है। तो सोहराय व कोहबर चित्रकला पर लिफाफा जारी किया गया है माननीय राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा, और यह डाक विभाग के सोहराय और कोहबर चित्रकला का विशेष लिफाफा जारी हुआ है। राजकीय, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धरोहरों एवं कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष लिफाफा जारी किया जाता है। तो यह जो लिफाफा है वह राष्ट्रीय और राजकीय साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों एवं कला को प्रोत्साहित करने के लिए, उसके उद्देश्य के लिए ही विशेष लिफाफा जारी किया जाता है। और अभी यहाँ पे रमेश बैस के द्वारा सोहराय और कोहबर चित्रकला पर लिफाफा जारी किया गया है डाक विभाग की ओर से। तो यह इम्पोर्टेंट है, आपको ये जानकर ध्यान में रखना है। अगला है, निम्न में से किस राज्य ने झारखंड की उत्पाद नीति को अपनाया है? ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़। ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो झारखंड की जो उत्पाद नीति है उसको पश्चिम बंगाल राज्य ने अपनाया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो है झारखंड की उत्पाद नीति को पश्चिम बंगाल ने अपनाया है, और झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति अन्य राज्यों के लिए मॉडल बन गई है। इस प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार झारखंड सरकार की उत्पाद नीति को अपनाया और राज्य में लागू भी कर दिया है। तो यह एक खुशी की बात है कि झारखंड सरकार की जो नई उत्पाद नीति है उसको पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनाया है, और साथ साथ अपने राज्य में भी लागू कर दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है वह है, झारखंड के निम्न में से किस जिले के मुस्कैनी पहाड़ पर पोटाश के भंडार मिले हैं? यह इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुस्कैनी पहाड़ और पहाड़ों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है वो फिर से देख लेते हैं। तो झारखंड के निम्न में से किस जिले की मुस्कैनी पहाड़ पर पोटाश के भंडार मिले हैं? ऑप्शन है गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है गढ़वा। तो गढ़वा जिले के मुस्कैनी पहाड़ पर पोटाश के भंडार मिले हैं, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। तो मुस्कैनी पहाड़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, इसको पूरी सी जानकारी को देख लेते हैं। तो गढ़वा जिले के भवनाथपुर के मुस्कैनी पहाड़ पर पोटाश का भंडार मिला है, और यह खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने माइनिंग एसोसिएशन प्राइवेट आसनसोल के साथ मिलकर के किया है। तो दोस्तों, गढ़वा जिले के भवनाथपुर के मुस्कैनी पहाड़ पर पोटाश का भंडार मिला है, और यह जो खोज किया गया वह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, और इसमें जो मदद ली गई है वह माइनिंग एसोसिएशन प्राइवेट आसनसोल की मदद से किया गया है। तो मुस्कैनी पहाड़ तथा आसपास की जगहों पर यह पोटाश प्राप्त हुआ है, और हम जानते हैं कि पोटाश का उपयोग होता है मुख्यतः खाद की तरह होता है, तथा साबुन और डिटर्जेंट में भी इसका मामूली रूप से इस्तेमाल होता है।
तो यह पोटाश के उपयोग हैं जिसको हम खाद की तरह भी उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ साबुन और डिटर्जेंट में भी इसका मामूली इस्तेमाल होता है। तो यह जो है गढ़वा जिले के भवनाथपुर के मुस्कैनी पहाड़ पर मिला है, तो आपको ये याद रखना है। अगला जो है हमारा क्वेश्चन वह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के किस जिले से मुख्यमंत्री सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का शुभारंभ किए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के किस जिले से मुख्यमंत्री सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का शुभारंभ किए हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है देवघर, धनबाद, रांची और दुमका, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है दुमका। तो दुमका से मुख्यमंत्री सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का शुभारंभ किया जा चुका है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देख लेते हैं कि यह जो है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना क्या है। तो सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का शुभारंभ 22 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है दुमका से, और दुमका के पुलिस लाइन मैदान से इसका शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत राज्य भर के 57.10 लाख BPL परिवारों को एक साड़ी, एक धोती या लुंगी 10-10 रुपये में दी जाएगी, और इसमें जो है लाभुक साल में 2 बार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस योजना के तहत जो भी BPL परिवार हैं, 57.10 लाख BPL परिवार हैं, तो उनको एक साड़ी साथ ही साथ एक धोती भी मिलेगी। अगर धोती नहीं तो फिर लुंगी, यानी कि धोती या लुंगी दोनों में से कोई एक 10-10 रुपये में दी जाएगी। और इस यह जो योजना है, इस योजना के तहत में जो लाभुक होंगे उनको साल में 2 बार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि उनको एक साड़ी और एक धोती या एक लुंगी मिलेगा। तो यह अच्छी पहल है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। तो यह आपको जानना है कि सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का शुभारंभ हो गया है 22 सितंबर 2021 को, और दुमका के पुलिस लाइन मैदान से इसका शुभारंभ किया गया है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।